मकर संक्रांति को लेकर प्रयागराज में कल्पवास का अलग ही महत्व है। कल्पवास करने वाले लोग अपने दिन की शुरुआत गंगा स्नान से करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद ये कल्पवासी एक वक्त भोजन और एक वक्त फलाहार करते हैं। आपको बता दें कि कल्पवास की शुरुआत में ये कल्पवासी अपने टेंटों के आगे जौ के बीज बोते हैं। मान्यता है कि कल्पवास पूर्ण होने पर ये जो बड़े हो जाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि कल्पवास सफलतापूर्ण खत्म हो गया। कल्पवास में यही पूजा पाठ, गंगा नहाइए, भजन भाव करिए, एक महीना अपना पूजा करिए, पंडित बाभन का, साधु महात्मा का सब दान दक्षिणा करें, यही होता है कल्पवास का शुभ। पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक रहते हैं यहाँ। सुबह जो है 5 बजे 5:30 बजे सुबह गंगा स्नान करना, यहाँ मन और जगह प्रवचन सुनना, लोग का एक टाइम भोजन लेना और अपना घर में बैठ के घंटा 2 घंटा भजन रामायण पढ़ना,